तारीख 25 अप्रैल 2022, जगह नोएडा, सेक्टर 39। शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित एक मॉल में पार्टी चल रही होती है। इस बीच मॉल में मौजूद ब्रजेश नाम के एक युवक का एक रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से पैसे को लेन देन को लेके विवाद होता है। ये विवाद बढ़ता है, बहस शुरू होती है, तभी बीच में बाउंसर आ जाते हैं। बाउंसर जिन्हें रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी के लिए रखा गया है। आरोप है कि ये बाउंसर उस युवक को पीटने लगते हैं, इतना पीटते हैं कि वो युवक अधमरा हो जाता है। इसके बाद युवक के साथी उसे एक निजी अस्पताल में लेकर जाते हैं। इलाज शुरू होता है लेकिन कुछ देर के बाद उसकी जान चली जाती है। शहरों की चकाचौंध के बीच ये कहानी नोएडा की है, दिल्ली से सटे नोएडा की, जिसे उत्तर प्रदेश का सबसे उन्नत, सबसे हाईटेक जिला कहा जाता है। सोमवार को नोएडा सेक्टर 39 स्थित एक मॉल में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। बताया जाता है कि यह युवक अपने साथियों के साथ मॉल में पार्टी करने आया था। इसी दौरान पैसे के लेन देन को लेकर उसका वहां के कर्मचारियों से विवाद हुआ। देखते देखते पूरा मामला मारपीट में बदल गया। ये मामला सामने आ रहा है कि बार के बाउंसर्स ने युवक को घेर कर पीटना शुरू किया। तब तक पीटा जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया। जिस युवक की जान गई उसका नाम ब्रजेश राय बताया जा रहा है। ब्रजेश बिहार का रहने वाला था और उसकी उम्र करीब 30 साल थी। वो छपरा जिले के हसनपुर गांव के निवासी श्रीकांत राय का बेटा था। सोमवार को वो अपने दोस्तों के साथ यहां पर पार्टी करने पहुंचा था। इसी दौरान सारा विवाद हुआ। इस मामले को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से अधिकांश इस बार के कर्मचारी हैं। देखिए, सेक्टर 39 थाना क्षेत्र अंतर्गत गार्डन गिरिया मॉल है। उस मॉल में एक बार है जिसका नाम लॉस्ट लेमन है। वहाँ पे कल रात्रि कुछ लोग पार्टी करने गए थे। लगभग 11 बजे के आसपास पार्टी करने वालों और जो रेस्टोरेंट के स्टाफ थे उनके बीच में पैसे के लेन देन को लेकर के मारपीट हुई, झगड़ा हुआ, और उसके बाद उसमें से उस मारपीट में एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी। उसको वहाँ से उनके साथियों ने तत्काल हॉस्पिटल लेकर के एडमिट कराया। वहाँ पे जब पूछे उसके बाद उनकी मौत हो गई। हम लोगों को जानकारी मिली, हम लोगों ने इसमें तत्काल उसमें FIR पंजीकृत की है, और पंजीकृत करने के बाद उसमें जो बाहर के जो जितने लोग हैं सबको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। हमारे पास सारा CCTV फुटेज है, उसमें 8 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं और सभी के खिलाफ उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, और इसमें जो भी फाइंडिंग्स हमारी होगी उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, और उसके बाद अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। इस मामले को लेकर स्थानीय थाने में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है, लेकिन श्रीकांत के परिवार के लोग अब इंसाफ मांग रहे हैं। उनकी मौत के बाद ये बात फिर से कही जाने लगी है कि क्या नोएडा के मॉल में मारपीट की इन घटनाओं को रोका नहीं जा सकता था, और अगर रोका जा सकता था तो इसके लिए पुलिस ने क्या इंतजाम किए।